अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं KJ प्रोग्रामिंग स्किल्स। अब हमारी न्यू जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ में है उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने लॉगिन साइट को मैनेज करते हैं, किस तरह उसको डिवाइड करते हैं कि जब हम लॉगिन करें तो लॉगिन की ऑप्शन ख़त्म हो जाए वहाँ से। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। ये हमारी ऐप थी, इसमें कल हमने ये अपलोड किए थे, ऊपर नेविगेशन बार पे लगाए थे कि साइन आउट, प्रोफाइल एडिट और लॉगिन। जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे ना, हमें प्रोफाइल एडिट की ऑप्शन नहीं देगा। ये प्रोफाइल एडिट की ऑप्शन आ गई और ये साइन आउट, तो ये साइन आउट सक्सेसफुली। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब लॉगिन ही नहीं हुआ यूज़र, तब ये दो चीज़ें डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए हमें। तो उसके आज हम सेटिंग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं, सब्लाइम। सब्लाइम हमारा ओपन हो गया है, तो अभी इसको चेक करते हैं हम जी। तो हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं जी। इसके लिए हमें अपना एक पेज ओपन करना पड़ेगा, जिस पे आपको रिमेंबर होगा कि हमने लास्ट वीडियोस में चेक किया था, रील्स जेम्स, जहाँ से हमने डिवाइस का जैम इंस्टॉल किया था, .org। ये रहा हमारा सेकंड, और यहाँ से हमने अपना डिवाइस का जो जैम है वो अपने लॉगिन पैनल के लिए हमने इंस्टॉल किया था। तो ये हमें वहीं से ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मैं आपको इजी स्टेप में समझाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी डिफ़िकल्टी में आए और आप बाद में भूल जाएं। तो ये देखें, हमने जेम्स इंस्टॉल कर लिया, बंडल्स इंस्टॉल कर लिए, और ये डिवाइस का जेम्स है। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐड की थी अपने बंडल्स में, कॉन्फ़िगरेशंस में, इन्वायरमेंट में। फिर हमने उसका मॉडल जनरेट किया, उसके बाद DB मर्ज किया हमने, और अब ये जो है ना बिफोर एक्शन, जो ऑथेंटिकेट यूज़र है वो कैसे पता करते हैं, वेरीफाई अ यूज़र, उसके लिए ये है। इसको किया कॉपी और कॉपी करने के बाद इसको हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने जाना अपने सब्लाइम में। सब्लाइम में हमने अपना ऐप ऑन करनी है। ऐप में हमारा फोल्डर है व्यूज़ के नाम से, व्यूज़ को ओपन करना है, और व्यूज़ के बाद होम को, और होम में है हेडर जहाँ पे हमने अपना नेविगेशन बार ऐड किया हुआ है। अब यहाँ डेवलपमेंट टीम, साइन आउट और ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। पहले आपको रूबी का टैग पता होना चाहिए, ये रूबी का टैग है। इसके अंदर लगाते हैं हम इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ और पेस्ट कर दिया हमने। इफ़ अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको ये दो पार्ट जो है ना डिस्प्ले करे, एक साइन आउट का और एक एडिट प्रोफाइल का, ठीक है। और फिर हम लगाते हैं इसमें एक और टैग कि अगर यूज़र लॉगिन ही नहीं है तो उसे शो करवाए लॉगआउट का, और एट द एंड हमारा जो टैग्स हैं उसको बंद करने के लिए होता है एंड। इसको किया सेव और चेक कर लेते हैं इसको। ये रहा हमारा पेज, ये दैट्स इट। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन होगा,
लॉगिन होगा तो ये दो डिस्प्ले होंगे, साइन आउट और एडिट प्रोफाइल। यूज़र सक्सेसफुली साइन इन हो चुका हुआ है, अब वो साइन आउट करेगा तो उसको ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसके अंदर आप डेवलपर टीम को भी चाहते हैं ऐड करना तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड कर लेते हैं हम। ये रहा हमारा डेवलपर टीम, इसको किया कट और इसको कर दिया इसके अंदर पेस्ट। ये सेव और ये रिफ्रेश किया, अब उस डिस्प्ले नहीं करवा रहा डेवलपर टीम का जब तक कि वो यूज़र लॉगिन नहीं होगा। ये डेवलपर टीम अब शो हो रहा, लॉग आउट हो गया तो वो भी गायब। ये थी आज की हमारी वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग केजर प्रोग्रामिंग।